आई एम ओयो वाला, आई एम मेडिकल स्टोर वाला। वेरी इंटेलिजेंट। मुझे तो लगा था मेडिकल स्टोर वाला सिर्फ दवाइयाँ बेचते हैं, पर तुम तो कॉन्डोम भी बेचते हो। कॉन्डोम इसलिए बेचता हूँ ताकि वैलेंटाइन में तेरा बिजनेस अच्छे से चल पाए, ये मेरा स्टाइल है। अब बैठ के बात करते हैं। मेडिकल स्टोर, तेरी कुंडली मेरे पास है। बोलू क्या? पहले तू मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बेचा करता था, फिर 20 के दशक में मार्केट में कॉन्डोम जैसी चीज आई जिसे लोग खरीदने से काफी घबराते थे। यही नहीं, तू अपने दुकान पे पावर बढ़ाने वाली गोलियां भी बेचता, तभी तो मेरे कस्टमर 1 घंटे बोल के 3 घंटे लगाते हैं। गुड गुड, आई लाइक इट। ओयो वाला, तू क्या समझता मेडिकल स्टोर वाला तेरे बारे में कोई खोज खबर नहीं रखता? साधारण होटल में कपल्स को काफी समस्या होती थी, फिर 2013 में ओयो होटल की स्थापना होती है और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में तेरा वर्चस्व कायम हो जाता है। यही नहीं, तू कपल्स को पहली बुकिंग पर 50% का डिस्काउंट देता है ताकि तू उसे अपना रेगुलर कस्टमर बना सके। पक्का व्यापारी है तू भोसड़ी के। शुक्र कर हम कॉन्डोम बेचते हैं, नहीं तो तेरा ओयो का बिजनेस आज इतनी बुलंदी पर ना होता। मेरी बात मान, ओयो ब्रांड की कॉन्डोम बेचना शुरू कर। दूसरों के नाम पे उछलने का शौक नहीं, कट जाएगा। मेडिकल स्टोर पे अनवांटेड 72 की गोली रखने वाले फटे हुए कॉन्डोम से नहीं डरते। चलता हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो तेरा वैलेंटाइन का टर्नओवर कम हो जाएगा।